70 साल से चली आ रही भरत मिलाप की परंपरा आज भी बरकरार है। कोरोना वायरस की वजह से यह उत्सव ज़्यादा भव्य न होकर कुछ लिमिट लोगों में ही, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ न करते हुए इस भरत मिलाप की योजना को मनाया गया। विजयदशमी के दूसरे दिन नाटी इमली इलाके में गोधीली बेला सूर्यास्त के पहले होने वाला विश्व विख्यात भरत मिलाप का मंचन किया जाता है। बताया जाता है कि यह 475 साल पुरानी परंपरा है। 5 मिनट के इस लीला को देखने के लिए देश विदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल मौजूद रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि भरत मिलाप के दौरान कुछ क्षणों के लिए भगवान के दर्शन होते हैं। खास बात यह है कि राजा अनंत नारायण खुद भगवान की परिक्रमा कर सोने की गिन्नी देकर प्रसाद लेते हैं। वाराणसी में इस योजना को लखा मेला के नाम से भी जाना। मान्यता है कि मेघा भगत को भगवान राम ने स्वयं दर्शन दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी, जिसे आज भी पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार बिना किसी भीड़ भाड़ के भरत मिलाप का त्यौहार मनाया गया। वाराणसी के न्यूज बकेट से आरती पांडे। लीला 477 वर्ष पुरानी है। इस लीला का स्थापना संत गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र संत मेघा भगत ने 477 वर्ष पूर्व किया था और आज 477वां वर्ष है। इस लीला के प्रवर्तक मेघा भगत को आज के दिन ही भगवान ने दर्शन दिया था नाटिमली के मैदान में, और इसलिए इस लीला का बड़ा महत्व है। काशी के लोगों के लिए पर्व है, कोई लीला नहीं। मेघा भगत की जुड़ी हुई कहानियाँ, मेघा भगत तुलसीदास जी के मरने के बाद बहुत दुखी हुए, वो चले गए अयोध्या और सरयू किनारे बैठ करके बड़े दुखी थे। तब दो राजकुमार टाइप के बालक आए, उन्होंने उनको धनुष बांट दिया और चले गए, फिर वापस लेने नहीं आए। फिर उनको यह स्वप्न हुआ कि तुम काशी में जाओ, चित्रकूट की लीला कराओ, वहीं से तुम्हें भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त होगा। उनको दर्शन मिला और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। नहीं, हम लोगों ने लीला का सीमित रूप नहीं किया, लीला की सारी प्रसंग सारे रामायण हुए, सिर्फ स्थान बदला था। यह नाटी इमली न करके, जगह जगह घूम के न करके हम अपने अयोध्या भवन में कर रहे थे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।